कैसा फील कर रहे हैं आप हमसे मिल करके? ये बहुत दिनों के बाद अभी यहाँ पे फोटोग्राफर धीरज भाई मिले हैं, मतलब दिल से जब प्रसन्नता निकल रही है, हैप्पीनेस, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। आई वांट टू से ओनली वन थिंग, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा एंड हैप्पी दशहरा। थैंक यू। पेट्रोल नहीं खत्म है, साथ लेके चलने के लिए हम गाड़ी बोट खेल के जा रहे हैं। सुनिए, अभी अभी कोई ना समझे कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी मित्रों के साथ चलने के लिए गाड़ी को ठेल के ले जा रहे हैं। गाड़ी में पेट्रोल पूरा, पेट्रोल फुल है ना? पेट्रोल देखिए गाड़ी में, देखिए गाड़ी चल रहा है लेकिन पेट्रोल खत्म नहीं है। बस पेट्रोल फुला, लाइट नहीं था। आगे जाओ चाय, हाँ यहाँ पे मिल जाएगा दुकान पे। तो मर्दे हम भी बोला बुलाने वाले थे, आप बनाने लगे। कहे मुँह ऐसा कहे करके बैठे हैं यार, बहुत ज्यादा पसीना है। देखिए चाय का चुस्की ले रहा है लड़का लोग। अभी हम लोग कादराबाद में आके बैठे हैं, चाय का बहुत थक गए थे, तो लगा कल ही सभी लोग घूमता है। नहीं लड़का बोला था, हम अभी 9 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। हाँ अभी और चलना बाकी है, इससे ज्यादा अभी और चलना है। हाँ पूरा दरभंगा रात में कवर करना है। सही बात, अभी तो आधा रास्ता ही है, एक ही पूरा मतलब एरिया कवर हुआ, एक एरिया तो पूरा कवर करना बाकी। तो अभी हम लोग कादराबाद के पास है, यहाँ पे देखिए लड़का लोग बैठा हुआ है, नंदन सेल्फी है, फिर सेल्फी ले रहा है। अभी हम लोग जाएंगे कुछ देर यहाँ पे चाय पिए हैं, उसके बाद आगे हैदराबाद में जो दुर्गा स्थान है वहाँ पे निकलेंगे। दे पैदल चलते चलते हालत खराब हुआ बहुत बहुत पूरा, क्या कर रहे हैं अब तो लगे नहीं रहे जो पैदल चल मतलब मेला घूमने आए, ऐसा हालत करके मेला घूमिएगा। पैर में पैदल चलते चलते ट्रेन के पैर में खनौली से आके दरभंगा में, लड़का लोग देखिए क्या सब कर रहा है पूरा यही सब। खनौली से चल के पांचों भाई आए हैं, ये जो शूट कर रहे हैं ये भी हैं, तो चलते चलते इन लोग के पाँव में अब शब्द हो गया, मतलब पिलुआ टाइप का दौड़ता है, ऐसा 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 दौड़ने लगा। अभी लोग जाएंगे तो गर्म पानी में नमक देके पैर डाल के करेंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात है, रवि जी का जो स्टोरी टेलिंग है ना वो बहुत गजब का है, पूरा मतलब लगता है 3D में समझा रहे हैं। अभी तो मेरा कुछ नहीं, अभी तो मेरा प्रैक्टिस में थे हम, हैदराबाद में हम लोग चाय पीने के बाद हैदराबाद दुर्गा मंदिर तरफ की ओर बढ़े। वहाँ का लाइटिंग कितना गजब है आप देख सकते हैं, और वहाँ पे एक गुफा टाइप बनाया गया था, बहुत ज़्यादा ही लंबा लाइन लगा हुआ था अंदर जाने के लिए। हम लोग अंदर नहीं जा पाए लेकिन बाहर से ही दुर्गा जी का मूर्ति देख लिए। उसके बाद हम लोग की तरफ बढ़ रहे थे, अभी हम लोग कटहलवाड़ी की तरफ जा रहे हैं। कटहलवाड़ी में भी बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था, वहाँ पे समझिए गांव और शहर का मिश्रण था पूरा, बहुत बड़ा फील्ड भी था, वहाँ पे मेला टाइप लगा हुआ था। हम लोग वहाँ भी थोड़ा देर रुके, थोड़ा भेलपूरी वगैरह सब खाए, थोड़ा देर आराम भी किए। उसके बाद हम लोग वहाँ का मेला घूमने के बाद हम लोग लक्ष्मी सागर तरफ बढ़े। लेकिन चलिए आपको पहले कटहलवाड़ी का दिखाते हैं, यहाँ भी दुर्गा जी का भव्य मंदिर बना हुआ था। कटहलवाड़ी में घूमने के बाद, मेला घूमने के बाद हम लोग लक्ष्मी सागर तरफ बढ़े। वहाँ का जो 3D लाइट था वो बहुत गजब का लग रहा था, तो खड़े होकर हम थोड़ा 3D लाइटिंग का कवर किए। वहाँ का भी पोखर पीछे था, उधर का भी बहुत बढ़िया व्यू था, फोटो वगैरह सब लिए थे, बहुत बहुत मजा आया घूम कर। धीरज के साथ प्रैंक हुआ था, अपना स्टोरी बता रहे हैं, बताइए धीरज जी क्या हुआ था आपके साथ? नींद चल रही है लेकिन धीरज जी शुरुआत से बताइए क्या हुआ था आपके साथ प्रैंक?